कोरोना यार ये देख के नहीं आता कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, कोरोना यार ये देख के भी नहीं आता कि आप अमीर हो कि गरीब हो, कोरोना यार ये भी देख के नहीं आता कि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो इसलिए आपको इसलिए आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, या फिर आप सहबा के हो इसलिए आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। कोरोना यार किसी को भी हो सकता है, मेरे को, आपको, बच्चे को, बूढ़े को, सबको हो सकता है। ठीक है, रिस्क किसका ज्यादा है? बच्चों के ज्यादा है, क्योंकि बच्चे सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा नहीं है, अपने माँ बाप के लिए भी खतरा है, अपने नेबर्स के लिए भी खतरा है, वो लोग ही खतरे हैं, एंड वो लोग भी खतरे में है, एंड वो लोग ही खतरे हैं। जस्ट इमेजिन व्हाई दिस बोर्ड एग्जाम इज नॉट बीइंग कैंसल्ड इन असम, जबकि स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं क्लास 10 के लिए, एंड पोस्टपोन हो गए हैं आपके क्लास 12 के लिए। बाद में देखा जाए कि हाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं बढ़ रहे तो ठीक है, मतलब देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट पोस्टपोन तो हो गए हैं। लेकिन ऐसा में तो कुछ एक्शन ही नहीं है, कुछ आवाज तक नहीं है, एक सिंगल वर्ड तक नहीं है एग्जाम करके, कुछ भी नहीं है ऐसा में, मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटेस्ट भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स कुछ प्रोटेस्ट उठाते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो लोग कुछ करते नहीं है, राइट? दिस इज द पॉइंट, बट वी डोंट नो द स्टैटिस्टिक्स, हमें स्टैटिस्टिक्स नहीं पता कि यार कितना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये कितना एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे असम में। क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको क्या लगता है कि मतलब सीबीएसई वाले मतलब ज्यादा टैलेंटेड है या फिर ज्यादा बेवकूफ है, तो उन लोगों का इन्फ्लुएंस दिया, हमारे सेवा वाले मतलब कुछ है नहीं? आप ये बात देखो यार, आप ये फैक्ट देखो, 2019 के अगर मैं बात करूं तो वहां पे यार ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब एग्जाम्स मतलब दिए थे बच्चों ने, एचएस में भी सेम, तो ऑलमोस्ट 6 लाख स्टूडेंट, 7 लाख स्टूडेंट ऐसे बच्चों एग्जाम्स देते हैं, अगर इनमें से 1% बच्चों को भी कोरोना हो गया, 1% या फिर 0.1%, तो क्या ये हम लोग के लिए अच्छा है क्या? बुरा है ना, डेफिनेटली एक भी बच्चे को कोरोना नहीं होना चाहिए। आई नो 0.1% इज वेरी लेस, बट स्टिल इट इज अफेक्टिंग अस, राइट? तो वो एक पॉइंट है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था 2019 में, जहाँ पे पासिंग रेट था आपके ऑलमोस्ट 60%, 60% बच्चों ने सिर्फ पास किया था, एंड थर्ड डिवीजन वाले तो फर्स्ट डिवीजन वाले से डबल्स थे, तो जस्ट इमेजिन इस बार क्या होगा। अगर मैं बात करूँ 2018 के डाटा के, तो वहां पे तो सिर्फ 56% बच्चों ने पास किया था, जस्ट इमेजिन, एंड 17 में सिर्फ 48% में, 48 या 47% ने पास किया था, ठीक है, जस्ट इमेजिन। एंड ये न्यूज आपके वैलिड है, आप न्यूज में देख लो, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं भी देख लो, ये आपको मिल जाएगा, आप न्यूज में देख लेना, आपको मिल जाएगा ये वाला बात, ठीक है। एंड एच एस भी सेम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, साइंस के वाले बच्चे कम है, आर्ट्स के वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा है, लाखों में है, लेकिन फिर भी आप देखो कि कोरोना किसी भी हो सकता है, ऐसा नहीं केवल साइंस के है तो कोरोना नहीं होगा, ना बायोलॉजी पढ़ के रखे उन लोग ने, ऐसा नहीं है ना, किसी को भी हो सकता है, तो यार कोई आवाज क्यों उठा रहा है? तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एंड ये स्टूडेंट्स की डिमांड भी है कि एग्जाम्स को कैंसिल करने चाहिए, अगर एग्जाम्स कैंसिल नहीं हो रहे तो फिर हम लोग सारी इनजस्टिस है, इट इज नॉट आवर राइट, वी हैव द राइट टू एजुकेशन, राइट? तो एजुकेशन कहाँ पे है फिर? एजुकेशन है ही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन होके रखा है यहाँ पे, जस्ट इमेजिन कि ये बहुत ही एक सीरियस इशू है। बच्चों के पास पढ़ने के लिए मोबाइल तक नहीं है, घर में एक ही मोबाइल है, बाप चला जाता है काम के लिए, बच्चा कहाँ से पढ़े? एंड ठीक है भैया नेट तो है, अरे नेट है लेकिन यार इंटरनेट कनेक्शन इतना स्लो है, किसी किसी पुअर प्लेसेस में, गुवाहाटी में नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगी, गुवाहाटी में भी है इनफैक्ट, जोरहट में भी है इनफैक्ट, मेरा ही स्लो है खुद का, वोडाफोन का है, तो जो मतलब बैकवर्ड प्लेस है वहां पे कितना स्लो होगा, इतने स्लो में कैसे बच्चा पढ़े? एंड पढ़े भी तो किससे पढ़े? यूट्यूब से पढ़े क्या? टीचर्स को खुद आता नहीं है कि यार कैसे मतलब पढ़ाते हैं, मतलब ऑनलाइन भी वो लोग भी नहीं है, उन लोग की भी गलती नहीं है, राइट? तो ये बहुत ही सीरियस इशू है नहीं, यहाँ पे अगर मतलब ऐसा हो रहा है कि यार एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, ये बहुत गलत होगा यार, ये बहुत ही गलत होगा मतलब आप लोग के लिए, तो इसलिए आवाज उठाओ, अपने लिए आवाज उठाओ, कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाने वाला है इस दुनिया में, सिर्फ आप अपनी मदद कर सकते हो, तो आप अपने लिए आवाज उठाओ, इस वीडियो को शेयर करके, इस मैसेज को शेयर करके, और मैंने एक ट्विटर का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप रीट्वीट कर सकते हो, हिमोटा विश्व मटक, सर्वानंद सोनोवाल, किसी को भी करो, इन सबको करो, ठीक है? आपको पता है किसको करना है? असम के गवर्नमेंट को करो, सेंटर को करो, मोदी को करो, ठीक है? सबको करो यार, करना की इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप गए मतलब एग्जाम्स हो जाएंगे, एंड जो अभी ऐसे का एग्जाम है अभी तो वो आ ही गया, इतना पास आ गया, अगर आप अभी भी एक्शन नहीं लोगे तो वो तो फिर आप एग्जाम देने ही वाले हो, सिर्फ आप सिंपली जाओगे एग्जाम देने के लिए, आप एग्जाम दोगे एंड एग्जाम देके आ जाओगे, बस खत्म बात। तो अगर कुछ करोगे तब जाके मतलब पोस्टपोन होने वाला है, होगा डेफिनेटली, आई बिलीव कि पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, बस आपको सपोर्ट करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना, हर लोग का शेयर करना, सिर्फ 10 के बच्चों के नहीं, 12 के नहीं, 9 को शेयर करना, 8 को शेयर करना, 7 को शेयर करना, अपने पेरेंट्स को शेयर करना, 11 के बच्चों को शेयर करना, सबको शेयर करो, ताकि इस मैसेज को हर जगह में पहुंचे, ताकि आप लोग का बेनिफिट हो सके। चलो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, एंड इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वीडियो को शेयर करना, एंड आई लव यू ऑल।